Kaya to di. Pre paisa. Oh bhai. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं जी कैंपिंग करने एक जगह। हम पिछली बार आए थे इधर पे, ये रहा वो सीन जहाँ पे हमने पिछली बार कैंपिंग की थी, और वही दोस्त हमारे साथ है। दोस्त नहीं, कज़न है हमारा। तो यहाँ से हम कर रहे हैं जी कैंपिंग अपनी स्टार्ट फिर से। हम आपको मतलब हमें जो है पूरा हाजीपल का पहाड़ जो है भाई हमें एक्सप्लोर करना है, और फ़िलहाल हम उधर रुके हैं जहाँ पर हमने पिछली बार कैंपिंग की थी। हाँ, तो ये सारा जो है यहाँ से देखो जी, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से और आप सब देखिए अच्छे से। और एनीवेज, अगर कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो फ़िलहाल आप व्यू देखिए यहाँ का। तो भाई साहब, ये है जी बारामूला, और ये है यहाँ सामने ईदगाह। हाँ जी, तो फ़िलहाल हम आ गए किसी जगह पर ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हम। अब इधर से हम आपको दिखाएंगे थोड़ा व्यू, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, और बारामूल तो एकदम भाई साहब पूरा दिख रहा है यहाँ से। हाँ जी, तो गाइस ये है जी यहाँ का व्यू। मैं मतलब डर रहा था जी यहाँ से, बहुत ज़्यादा नीचे खाई, बहुत ज़्यादा खाई है यहाँ से। और तो फ़िलहाल हम वहाँ कोशिश करेंगे जाने की जहाँ पर पानी होगा, क्योंकि और हम पहुँच गए हैं जी आर्मी कैंप के पास। यहाँ पर आर्मी भी है, क्या पता अगर हमने यहाँ पे कैंपिंग की किसी जगह तो इनसे परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। फ़िलहाल हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं जी, यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है ऊपर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की, लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास उतना, क्योंकि हमारे अनस भाई जो है वो स्कूल गए थे आज, और यहाँ पर रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है इन गायों से। यहाँ पर गाय भैंसें बहुत सारी है भाई साहब, गाँव की निशानी यही होती है असल में। पे गुलमर्ग के पहाड़ भाई साहब, बर्फ़ से ढके हुए एकदम, बहुत ज़बरदस्त पहाड़ है वहाँ। और यहाँ से भाई साहब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, एकदम बहुत ज़बरदस्त अल्टीमेट। यहाँ से पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ भाई। और चेक करें जी वहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त था वहाँ पे, वहाँ पे कैंप करने गए थे भाई साहब वो वाले कैंप वाले, वहाँ से चिल्लाने लगे भाई साहब वहाँ से जाओ जाओ, पता नहीं एकदम भाई ज़बरदस्त लोकेशन। रुको, धूप बहुत ज़्यादा है, एकदम बहुत ज़बरदस्त लोकेशन मिली थी मुझे, लेकिन इन्होंने सारा प्लान ख़राब कर दिया। फ़िलहाल ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर देखते हैं, और धूप भी बहुत ज़्यादा है इधर से। फ़िलहाल हम पहुंच गए भाई साहब यहाँ से, चेक करें जी कश्मीर की खूबसूरती। यहाँ पे हम रुके हैं आज, और व्यू भी काफ़ी एकदम ज़बरदस्त है भाई, और यहाँ ऊपर से बिल्कुल बहुत अच्छा है। और वहाँ पे हमारी स्कूटी रखी है, और यह है कुछ हमारा सेटअप आज का, टेंट सेटअप। ये लो जी, ये है हमारा सेटअप। फ़िलहाल हम ये बनाते हैं यहाँ पे, आज हम आपको नए तरीके से दिखाएंगे कि चिकन कैसे हम बनाएंगे। हम आग वाग जलाते हैं यहाँ पे, काफ़ी लेट भी हो गया हमें। तो गाइस वो चीज़ हमने बना ली है अभी, मैं ऊपर गया पहले पेट्रोल लाने, फिर जाके आग जल गई। पहले आपको दिखा दूंगा मैंने क्या बनाया आज जी, चेक करें गाइस ये किस लिए बनाया मैंने।
आप सबको अभी पता चल जाएगा। ओ भाई अरे जंगल में देखो हालत पीछे से ख़राब हालत। तो गाइस आग जलाने के कारण आज मुझे लग रहा है कि जंगल ही जल जाता आज। ओहो कसम से पैर में आग लगी थी। फिलहाल अपनी चाय बनाते हैं क्योंकि 4 बजे के आसपास टाइम आ रहा है और अनस भाई बनाएगा यहाँ से चाय और मैं करूँगा काम यहाँ से। मैं चिकन को तैयार करूँगा और ये आग भी पहले तैयार करूँगा। आज तंदूरी बनाने के चक्कर में ना भाई आग ही लग गई थी आज। गाइस हम बनाएंगे पहले अपनी चाय क्योंकि आज कॉफ़ी वगैरह नहीं बनने वाली है, आज बनेगी जी चाय। जल गया ये भर दिया हमने इस पे मिर्च और ये हम करेंगे थोड़ी हल्दी इसमें ऐड और हमारे पास तो है ही नहीं अभी कुछ और जो कि हम इसमें ऐड करते। हाँ एक चीज़ है वो किधर गया। ये बहुत बढ़िया है भाई, इससे टेस्ट ज़बरदस्त होता है इनका।
चार पीस करते हैं। हाँ सीख होता है उसको। तो हमारा चिकन जो है वो तैयार हो गया कुछ इस तरीके से। ज़बरदस्त लग रहा है ना। थोड़ा सा बस ऊपर साइड से पकना है बस। चिकन विंग्स रखे हैं। जी देखो ये मैं वहां पे फेंकूंगा कितने आएंगे देख। मैं देखो जी देखो जी देखो ये सब क्या कर रहे हैं। चेक करो जी ये कैसा बनाया हमें। यहाँ पे देखो जी क्या बन रहा है अभी। ये पानी जो है यहाँ पे हम इसी से बर्तन धोएंगे लेकिन ये पानी साफ आ रहा है जी। देखे उधर से उतर रहा है पानी नीचे की ओर। यहाँ पे अब हम पानी हाँ यहाँ पे हम धोएंगे जी अपने बर्तन। मैं धोता हूँ अपने बर्तन यहाँ पे। जी तो गाइज अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ से बहुत बड़े बड़े कुत्ते आ रहे हैं जी। अभी हमें निकलना पड़ेगा। अनस भाई भी तैयार हो गया है। तो जी अभी हम चल रहे हैं घर से। बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं। दिखाई तो बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा है यहाँ से। ये मुझे अभी इसकी लाइट है इससे मैं थोड़ा देख पा रहा हूँ। अभी हम ऊपर की ओर चलेंगे। अंधेरा ऑलमोस्ट भाई साहब अंधेरे में डर लग रहा है यहाँ से। हाँ जी तो गाइज अभी शाम हो गई ऑलमोस्ट। अभी अंधेरा अच्छे से हो गया है जी। तो अभी हम घर निकलते हैं। अभी हम घर निकलते हैं। देखिए जी अंधेरा बिल्कुल हो गया है एकदम। हम जंगल के पास है अभी। ये जंगल है पूरा। यहाँ से बाघ शेर का बहुत खतरा है। किसी को वीडियो पसंद आई हो तो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड बाई।